धनबाद बार एसोसिएशन के सभागार में धनबाद बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं गवर्निंग काउंसिलिंग के सभी सदस्यों ने धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी का 63वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं बार के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने केक काटकर अपना 63वां जन्मदिन मनाया और अधिवक्ताओं एवं उपस्थित लोगों का शुक्रिया अदा किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश सत्य प्रकाश जी, झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष संजय विद्रोही मुख्य रूप से उपस्थित थे। और आज इस तरह से सजे हुए हैं, लगता है कि शादी करने जा रहे हैं। और बर्थडे बॉय है, उनके दीर्घायु के लिए हम लोग जितने लोग उपस्थित हैं सब ईश्वर से कामना करते हैं ये दीर्घायु रहे। इसी तरह से देवानंद जैसी मुस्कान यहाँ की जनता को सुलभ और सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने में हम लोगों की भी मदद करते रहे। बीच में 6 महीने के लिए मैं 20-20 मैच खेलने के लिए देवघर चला गया था। अब उसके बाद मुझको लगता है कि यहाँ के बार के जितने भी सदस्य हैं हमसे, इनसे आज भी जो हमारे न्यायालय में गए तो हमने इनको न्यायालय से कहा कि अब आपको हम कोर्ट की वर्डिक्ट देते हैं, आप इसी तरह देवानंद की तरह मुस्कुराते रहें। और मैंने उनसे यह भी कहा कि इसी एक शब्द में सब कुछ छिपा हुआ है। सबसे पहले अधिवक्ताओं ने दीप जलाकर एवं मंत्र उच्चारण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एक बिल्व पत्र एक पुष्पम एक लोटा जल की धार दयालु रीझ कर देत है चंद्रमोली फलचार व्याघाम्बरम भस्मांबरम जटाजूट निवास आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलास कंधे जसियल सत कराल गदल गंगा जल मस्तके बामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी रह सूरज धज विश्वे इसके बाद गोस्वामी जी ने केक काटकर एवं एक दूसरे को केक खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया। मन खाली कराइए।
वहीं इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने 63 किलो का माला पहनाया, उनका स्वागत किया। लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम अध्यक्ष मोहम्मद नौसाद गद्दी के बार के अध्यक्ष गोस्वामी जी को गुलदस्ता देकर एवं केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। वहीं समाज सेवी मुख्तार खान एवं हाजी जमीर आरिफ ने गुलदस्ता देकर जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। वहीं अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं ये देखकर कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। बार के अधिवक्ताओं के इस प्यार को देखकर मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनके हर सुख दुख में मैं इनका साथ दूंगा। वहीं उन्होंने जन्मदिन पर आए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। विकलांग और 12 वर्ष से जो 10th class तक पढ़ा है उन लोगों के साथ मैं मनाता आया हूँ, लेकिन इस बार का गुरुदेव का कृपा हुआ कि उन सभी लोगों को पता चला कि गोस्वामी जी का जन्मदिन 3 जून को होने वाला है। बार एसोसिएशन के काफ़ी अधिवक्ताओं ने मुझे कहा कि एक बार बार में भी मनाया जाना चाहिए, प्रेसिडेंशियल डिनर लंच होता है उसके लिए भी आप तो ये है, तो ये बहुत अच्छा सुअवसर है कि जब आप अपना 63वां जन्मदिन, जो अपना कर्म स्थल, जो अपना धर्म स्थल और जहाँ पर आप अपना जीवन का अधिकतम समय गुजारते हैं वहाँ पर ही हम अधिवक्ता का परिवार का आप गार्जियन के रूप में हैं, ये आपका घर है, परिवार है, इस परिवार के साथ मनाने का एक अलग आनंद आएगा। तो आज मैं देख रहा हूँ कि हजारों अधिवक्ता किस उत्सुकता के साथ मेरा जन्मदिन मनाए हैं और मैं ये वादा करता हूँ कि जिस तरह से उन लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं अपना जब तक मेरा श्वास रहे, मेरा धड़कन रहे, मैं अधिवक्ताओं के कल्याण के काम में आता रहूँ, यही आशीर्वाद मैं सब लोगों से मांगता हूँ। और जब से 2004 से मैं इन लोगों ने मुझे चुन करके अपने काम में लगाया है तो मैं हर वर्ष हर समय तत्पर रहता हूँ इनके काम के लिए और यही मेरा आज कहना है। आज इसी खुशी में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सम्मानित सदस्यगण संजय विद्रोही जी, राजेंद्र कृष्णा जी, कौन मंडल है, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, गिरिडीह से मीता ठाकुर जी सहित विभिन्न जिला आए हुए हैं, पवन खत्री जी, बहुत सारे लोग, जिला सत्र न्यायाधीश, सरकारी वकील, पुलिस महकमा के लोग, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो इस तरह से पूरा सभी लोग आज एक मंच पर उपस्थित होकर के मुझे आशीर्वाद दिया है और काफी सभी लोग हर्षोल्लास और खुशी है। आप लोगों ने देखा है 63 साल का उम्र, सभी बार एसोसिएशन की ओर से 63 पाउंड का केक आपके सामने है, 63 kg का माला इन लोगों ने मुझे अभी आप लोगों के सामने पहना है और क्या बोले, मैं अश्रु, मैं खुशी से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के। इस अवसर पर पवन खातिर, PPPN उपाध्याय, देवी शरण सिन्हा, मुकुल तिवारी, अनिल त्रिवेदी, राजा गोस्वामी, राहुल गोस्वामी सहित अनेकों अधिवक्ता उपस्थित थे।